चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब दुनिया में अपना प्रकोप फैला चुका है। आधी से ज्यादा दुनिया कोरोना के घेरे में कुछ इस कदर आ चुकी है कि अब इससे निकल पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसी बीच अमेरिका का कहना है कि हो न हो इन सब में चीन का हाथ है और चीन ने ये सब जानबूझकर किया है। चीन ने दुनिया पर अपना कब्जा बढ़ाने के लिए ही इस तरह के वायरस को फैलाया है और दुनिया पर यह विपदा डाली है। जबकि चीन इस आरोप को सिरे से खारिज करता आया है, वहीं WHO की भी इस पूरे मामले को लेकर भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। WHO पर आरोप लगे हैं कि वो इस मामले में चीन का गुणगान कर रहा है और चीन के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा रहा है, और अब इस कड़ी में दुनिया भर की नजरें भारत पर टिक गई हैं। वजह है भारत का अगले हफ्ते WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनना। दुनिया भर के देश चीन पर लग रहे इन आरोपों का जवाब चाहते हैं, इसलिए भारत की तरफ आस भरी नजर से देखा जा रहा है। भारत WHO में जापान की जगह लेने जा रहा है। इस वैश्विक संस्था के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग में ये पद संभालेगा, जिसमें WHO के 194 सदस्य देश और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। यहाँ सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश नहीं है जो चीन के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश चीन के खिलाफ जांच कर सकते हैं। इन देश के नेताओं ने कोरोना के मामले में चीन की जांच करने की ठानी है। ये देश जानना चाहते हैं कि जिस वायरस ने उनके देश का ये हाल कर दिया, आखिर ये वायरस आया कहां से। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना वायरस के अप्राकृतिक होने को लेकर बयान दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि इसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया था और ये भारत की तरफ से कोरोना मामले पर आधिकारिक बयान था। उसके बाद भारत का WHO में इतनी बड़ी पोजीशन हासिल करना, तो और देशों को तो भारत से उम्मीद रहेगी ही। तब चीन को सभी के जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को भी चीन पर संदेह है तो मुश्किल है कि भारत इस मामले को लेकर चीन को बख्शेगा। संभव है कि चीन जांच के लिए तैयार ना हो, क्योंकि वो कह चुका है कि WHO की जांच में सहयोग के लिए तो चीन तैयार है, लेकिन उन देशों की जांच स्वीकार नहीं करेगा जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।